ओम शांति। बाप दादा ने एक नया इतिहास रचा था, संगम का आरंभ किया था। उस समय में लगभग 350-400 का भाई बहने समर्पित हुए। उनमें से लास्ट कड़ी में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा अभी एक बाकी है। ऐसी दादी इतने सालों तक वफादार, आज्ञाकार, ईमानदार, इस शब्द का एक पर्याय व्यक्ति है तो दादी यीशु दादी थे। बाबा का हर बात का हर क्षण में प्रैक्टिकल रूप देखना हो, रियल रूप देखना हो, जो भी बाबा ने कहा उसको आज्ञाकारी बन करके, उन्होंने कितने भी कठिन परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में दादी ने फॉलो किया। सच्चाई, सफाई और ईमानदारी, इसका भी एक सबूत है तो दादी थे। सिंप्लिसिटी, अभी भी आज अपने देखा ना, ऐसा संस्कार करने के समय में दो घड़ी था उधर, एक घड़ी छोटी सी घड़ी, अब सदैव कभी कभी क्लास में दिखा करके ऐसा दिखा करके, ये बाबा ने दिया हुआ मेरा भाई, इतनी बाबा की टाइम का जो गिफ्ट की वैल्यू रखते थे। और खुद भी खरीद करना हो तो बहुत अच्छे अच्छे घड़ी खरीद कर सकते थे, बहुत गिफ्ट भी उसको मिला होगा बहुत सेंटरों में, परंतु वो सभी यज्ञ में स्वाहा कर दिया, दादियों को दे दिया, अन्य लोगों गिफ्ट में रूप में दे दिया, परंतु खुद वो बाबा का, इन्होंने बाबा के कितने वैल्यू रखा उसके लिए वो सोच सकता है। घड़ी बड़ी बात नहीं है, परंतु उस घड़ी का इसने, बाबा ने दिया मुझे ऐसा करके, और इतनी खुशी से सबको वो दिखा करके इतना खुशी में नाचती थी। ऐसी दादी को हम सब खोए हैं, परंतु इस यज्ञ में नया टर्न, नया मोड, एक नया इतिहास की ओर हम जा रहे हैं स्थापना के कार्य में। इस समय में हमारा सबके ऊपर जवाबदारी भी ज़्यादा बढ़ रहा है, सूक्ष्म जवाबदारी तो ज़्यादा बढ़ रहा है, डिसिप्लिन ज़्यादा बढ़ रहा है, आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो सारी दुनिया के सामने ब्रह्म कुमारी संस्था प्रत्यक्ष है। ऐसी समय पर दुनिया देख रहे हैं हमारा डिसिप्लिन को, हमारा सच्चाई को, हमारा ईमानदारी को, हमारा आपसी प्रेम को, अपनी सच्ची सेवा की आदि बातों को। इसके लिए हम अपने पूर्वजों के माध्यम द्वारा इस बात को स्वीकार तो किया है, परंतु इसको रियलिस्टिक रूप में 100% के रूप में हम दर्शाना है, ये हम सबका कर्तव्य है। मैं समझता हूँ दादी जी के जीवन में इन बातों को देखे मुझे बहुत सौभाग्य मिले हैं। दादी प्रकाशमणि जी के दांत, यीशु दादी, मुन्नी बहन, मुन्नी बहन और मोहिनी बहन, ये चार तो कंपलसरी कहीं भी जाते हैं तो चारों एक ही बार चलते थे। लास्ट में कुछ समय में और भी लोग जुड़ गए, और परंतु ये तीन चार तो कट्टे कहीं भी जाना हो, देश में जाना हो, विदेश में जाना हो, छोटे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम, इवन क्लास में भी जाना हो तो ऐसी, और सारी रात बाबा के गद्दी, बाबा अव्यक्त मुरली सुनाते रहे, चाहे हिस्ट्री हॉल में, उसके बाद में मेडिटेशन हॉल में, उसके बाद में उधर ओम शांति भवन में, उसके बाद में यहाँ भी, इन कई भी स्थान पर बाबा जब मुरली चलाते थे, ये चारों स्तंभ को बाबा का इन्होंने, दादी विश्व दादी साथ साथ सदा रहते थे। ऐसे दादी को हम देखते खुश हो जाते हैं, और ऐसे ईमानदार को देख करके हमारा जीवन में थोड़ा अंश आ जाता है, और खुशी भी देखना हो, भले कई बातों की खुशी हम लोग गंवा देते हैं, कोई ना कोई बातों में सुन करके गंवा देते हैं, देख करके गंवा देते हैं, और चर्चा करके गंवा देते हैं, परंतु उनके अंदर सदा वो खुशी भरपूर रहा। क्यों? जहाँ सच्चाई और ईमानदार और वफादार है, और बाप के सिवाय कोई दिखता नहीं, सिंप्लिसिटी और सिंप्लिसिटी का प्रतिमूर्ति, ऐसे दादी को हम लोग आज के अव्यक्त हो चुके हैं, बाबा के पास गए हैं, और बाबा इन सब को यूज़ करके नई स्थापना का कार्य भी इतने तीव्र गति से करेंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो बड़ी दादी होने के कारण आप इस समय में इस संस्था का अतिरिक्त प्रशासिका भी रहे, और सबसे बड़ी वो भी बात है, इन्होंने कदम कदम पर आगे बढ़ करके ऐसी एक स्टेज पर पहुंच गए,
और ऐसी दादी को हम लोग एक तरफ कहते हैं खोल हैं, परंतु उन्होंने जो गुण और शक्ति व वरदान और खुशी जो दर्शाया हमारे जीवन के लिए, वो हमारे लिए अटूट रहेगा, अविनाशी रहेगा, अनंत काल तक चलेगा, आत्मा के साथ साक्षात्कार अर्थात संस्कार के रूप में चलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसा दादी को भावपूर्ण हम सभी बहुत बहुत मल्टी मिलियन श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, प्रेमांजलि देते हैं। हम सबको मिल करके दादी को और एक तीन बार हम ओम शांति करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।